नमस्कार दोस्तों। दोस्तों संत कबीर हमारे समाज में परमेश्वर संत के नाम से जाने जाते हैं। संत कबीर की जयंती प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। उनकी भाषा खिचड़ी थी, उसमें बहुत सारी भाषाओं का मेल था, लेकिन फिर भी कबीर पंथी लोग आज भी उनके अनुयायी बनकर उनके उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। ऐसे कबीर पंथियों को मैं सादर नमस्कार करता हूं और इस कार्य के लिए उनको साधुवाद देता हूं। कबीरदास जी के काव्य भजन बहुत ही सजीव हैं, हालांकि वो निर्गुणी भजन हैं। वो अपने भजनों के माध्यम से समाज के पाखंड को उजागर करते थे। उनके दोहे आज भी इतने प्रासंगिक हैं कि उनका कोई जोड़ नहीं है। उनका हर बात में दोहा आज भी बिल्कुल सटीक बैठता है। कबीरदास जी को राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता मिली और वो लोकनायक कवि और संत बन गए। उनके भक्ति गीत ग्रामीण आदिवासी और दलित इलाकों में ज्यादा प्रचलित हुए, लेकिन विश्व का हर व्यक्ति उनके भजनों का, उनके दोहों का कायल है। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के गांव में कबीरदास जी के गीतों और दोहों की धुन आज भी जिंदा है। आज मैं आपको संत कबीर जी के बारे में 10 अनसुनी बातें बताने जा रहा हूं। नंबर 1, कबीर हिंदू थे या मुसलमान? हमारे समाज में ये भ्रम आज भी बना हुआ है कि कबीर हिंदू थे या मुसलमान। यह सवाल आज भी जिंदा है और कल भी जिंदा था। जिस तरह साई हिंदू थे या मुसलमान, उसी तरह कबीर का पहनावा कभी सूफियों जैसा, कभी वैष्णवों जैसा, कभी मुस्लिमों जैसा था। वैसे तो कबीर का लालन पालन नीमा और नीरू नाम के जुलाहे जाति के व्यक्ति ने किया था। वे ही दोनों उनके माता पिता थे। कुछ लोग उन्हें हिंदू दलित समाज का मानते थे। नंबर 2, काशी से मगहर। ऐसी मान्यता है कि काशी में देह त्यागने से स्वर्ग और मगहर में देह त्यागने से नरक मिलता है। वैसे तो कबीरदास जिंदगी भर काशी में रहे, लेकिन अंतिम समय में मगहर में देह त्याग दी, क्योंकि वो इस पाखंड को दूर करना चाहते थे कि मगहर में मरने से नरक मिलता है। नंबर 3, शरीर हो गया गायब। ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के बाद उनके शरीर को लेकर विवाद उत्पन्न ना हो, इसलिए उन्होंने अपना शरीर ही गायब कर दिया था, क्योंकि हिंदू उनके मृत शरीर पर अपना अधिकार चाहते थे और मुस्लिम उनके मृत शरीर पर अपना अधिकार चाहते थे। हिंदू चाहते थे कि उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से हो, जबकि मुस्लिम उन्हें दफनाना चाहते थे। बस इसी विवाद के चलते उन्होंने अपना शरीर गायब कर लिया था। और जब उनके मृत शरीर से चादर हटाई गई तो फूलों का एक ढेर पड़ा मिला था। हिंदू और मुसलमान दोनों आश्चर्यचकित रह गए थे। तब हिंदू और मुसलमानों ने उन फूलों का हिंदू और मुस्लिम रीति रिवाजों से अंतिम संस्कार किया। मगहर में आज भी कबीरदास जी की समाधि और दरगाह दोनों मौजूद हैं। नंबर 4, रामानंद जी के शिष्य कबीर। संत कबीर रामानंद जी यानी उस वक्त के परम आचार्य के शिष्य बताए जाते हैं। कुछ लोग इसमें विवाद मानते हैं, लेकिन जो ग्रंथों में लिखा गया है वो यही है। उनके 12 प्रमुख शिष्य थे, उसमें संत अनंतानंद, संत सुखानंद, सुरासुरसानंद, नरहियानंद, योगानंद, पियानंद, संत कबीरदास, संत सेजानवी, संत धन्ना, संत रविदास जी, संत पद्मावती और संत सुरसुरी। जब कबीरदास जी रामानंद जी के शिष्य बने, तभी से उन्हें वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया और उन्होंने उनसे दीक्षा ली थी, ये भी शास्त्रों में लिखा गया है। नंबर 5, निर्गुण ब्रह्म के उपासक। संत कबीरदास जी ने जो मार्ग अपनाया वो निर्गुण ब्रह्म के उपासक का मार्ग था। निर्गुण ब्रह्म यानी निरंकार ईश्वर। संत कबीर जी भजन गाकर उस परम सत्य का साक्षात्कार करना चाहते थे। ये वेदों के अनुसार निराकार सत्य को ही मानते थे। नंबर 6, गादी परंपरा। शुरुआत में कबीर साहब के शिष्य श्रुति गोपाल साहब ने उनकी जन्मभूमि बनारस को मूल गादी नाम से गादी परंपरा की शुरुआत की। इसके प्रधान भी श्रुति गोपाल ही थे। उन्होंने कबीर साहब की शिक्षा को देश भर में प्रचार प्रसार करने का जिम्मा उठाया। कालांतर के मूल गादी की अनेक शाखाएं उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम, राजस्थान और गुजरात आदि प्रांतों में उस वक्त स्थापित की गई थी, जो आज भी है। नंबर 7, कबीर पंथ।
कबीर पंथी ईश्वर के निर्गुण स्वरूप के उपासक थे और किसी भी प्रकार की पूजा और पाठ से दूर रहकर ईश्वर की भक्ति को ही सर्वोपरि मानते थे। और माना जाता है कि इस पंथ की 12 शाखाएं हैं, जिसके संस्थापक नारायण दास, श्रुति गोपाल, कमाली साहब दास, भगवान दास, जगोदास, जगजीवन दास, गरीब दास, तात्वा जीवा और कबीर आदि थे। नंबर 8, कबीर दास जी के भजन। कबीर दास जी के काव्य भजन बहुत ही सजीव हैं, हालांकि वो निर्गुणी भजन हैं। वो अपने भजनों के माध्यम से समाज के पाखंड को उजागर करते थे। उनके दोहे आज भी इतने प्रासंगिक हैं कि उनका कोई जोड़ नहीं है। उनका हर बात में दोहा आज भी बिल्कुल सटीक बैठता है। कबीर दास जी को राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता मिली और वो लोकनायक कवि और संत बन गए। उनके भक्ति गीत ग्रामीण, आदिवासी और दलित इलाकों में ज्यादा प्रचलित हुए, लेकिन विश्व का हर व्यक्ति उनके भजनों का, उनके दोहों का कायल है। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के गांव में कबीर दास जी के गीतों और दोहों की धुन आज भी जिंदा है। नंबर 9, कबीर दास जी का परिवार। कबीर दास जी वैरागी साधु थे, उसी तरह जिस तरह सूफी होते हैं। उनका विवाह वैरागी समाज की लोई के साथ हुआ, जिनकी 2 संतानें हुई। लड़कों के नाम कमाल और कमाली माना जाता है। हालांकि कमाली ने संत रविदास जी से आत्मज्ञान प्राप्त किया था और ये बात शास्त्रों में विधिवत उजागर है। कमाली संत रविदास जी की परम शिष्य थी। नंबर 10, कबीर दास जी के अवतार। कहते हैं कबीर दास जी के अक्कलकोट स्वामी या साईं बाबा के रूप में फिर से जन्म लिया। कई सूत्रों और तथ्यों से ये बात साबित हो जाती है कि संत कबीर एक हिंदू थे। हालांकि हमें इस विवाद में पढ़ने की जरूरत नहीं है। संत तो संत होता है, संत तो सर्व समाज का होता है। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि संतों ने जो हमें दिया है, जो धरोहर उनकी है, उसको हम सजा कर रखें और उनके भजनों को, उनके दोहों को, उनके उपदेशों को अपने जीवन में शामिल करें। यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कबीर दास जी परमेश्वर संत के नाम से जाने जाते हैं। परमेश्वर संत की उपाधि अगर किसी को मिली है तो वो कबीर दास जी को मिली है। कबीर दास जी एक महान संत के साथ एक महान कवि और एक महान लेखक के रूप में हुए। हालांकि उनकी भाषा खिचड़ी थी, उसमें बहुत सारी भाषाओं का मेल था, लेकिन फिर भी कबीर पंथी लोग आज भी उनके अनुयायी बनकर उनके उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। ऐसे कबीर पंथियों को मैं सादर नमस्कार करता हूं और इस कार्य के लिए उनको साधुवाद देता हूं। संत कबीर जी जैसा संत इस दुनिया में नहीं हुआ। संत कबीर दास जी के अनुयायी बनिए, उनके उपदेशों को, उनकी बातों को अपने जीवन में ढालिए और देखिए उस दिन से ही समाज में परिवर्तन हो जाएगा, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। जय संत कबीर जी।